हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अब हम करने वाले हैं जीके का चैप्टर नंबर 19, सम आर्टिकल्स एंड देयर यूज़, यानी इन सारे चीज़ों का कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज़ होता है, ये आपको आज पता चलेगा जीके में। ओके, तो यहाँ पर है, दिस सेंटेंस गिव द बिलो डिस्क्राइब द यूज़ फॉर द सेम आर्टिकल्स, राइट द अगेंस्ट ईच इज अ स्टेटमेंट द नेम ऑफ देयर आर्टिकल्स। ओके, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये कहाँ कहाँ पर ये वेपन्स यूज़ किया जाता है, उसका आंसर हमें लिखना है। तो फर्स्ट इट इज़ यूज टू शार्प अ पेंसिल। अब आप बताइए, पेंसिल को शार्प करने के लिए आपको किसका ज़रूरत पड़ता है? आपको पता होगा, इसका ज़रूरत पड़ता है। तो ये है शार्पनर। तो यहाँ पर कहाँ पर है शार्पनर? ये रहा, तो पेंसिल को शार्प करने के लिए इसका ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ आंसर आएगा शार्पनर। सेकंड, इट इज़ यूज टू रिमूव अननेसेसरी राइटिंग। अब जैसे यहाँ पर मुझसे थोड़ा सा गलती हो गया, अब इसे रिमूव करने के लिए मैं किस चीज़ का यूज़ करूँगी? इरेजर, यानी रबड़। यहाँ पर आंसर आएगा इरेजर। थर्ड, इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट हैविंग अ शार्प टेथ एंड कारपरेटर कट द वुड विथ इट। यानी कारपरेटर यानी जो कुल्हाड़ी होता है, जो पेड़ वगैरह को काटने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसका यूज़ कैसे करते हैं? तो यहाँ पर आएगा स्नो, यानी ये आरी, सॉरी कुल्हाड़ी नहीं, आरी। आरी से हम कोई भी लकड़ी का सामान प्रॉपर काट सकते हैं। तो ये हो गया आरी। फोर्थ, इट इज़ अ किचन डिवाइस टू यूज़ टू टूल हॉट स्टील। यानी अगर अभी घर में खाना पक रहा है, तो उसे आप गैस पे से वो टोप कढ़ाई उतारने के लिए हम मम्मियाँ क्या यूज़ करती हैं? पकड़ का। तो इसे बोलते हैं टैंक्स। इससे हम वो गर्म बर्तन उतारने के लिए हमें हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पर आंसर आएगा टैंक्स। फिफ्थ, इट इज़ अ यूज टू स्ट्रेन अ टी। अब चाय छानने के लिए, अगर घर में चाय पक रहा है तो मम्मी चाय किससे छानती है? कहाँ पर है? ये रहा स्ट्रेनर, यानी छन्नी से, चाय की छन्नी से हम चाय छानते हैं। तो यहाँ हो गया स्ट्रेनर। सिक्स, इट इज़ अ यूज प्योरिंग लिक्विड इनटू द बॉटल। अब बॉटल में अगर हमें पानी भरना है और पानी डालना है, या फिर रॉकेट डालना है, या फिर डीजल डालना है, बॉटल का मुंह एकदम छोटा सा है, तो हम उसे किसकी मदद से करेंगे? फ्लोलिल, यानी ये कुप्पी इसे बोलते हैं, हिंदी में इसे कुप्पी बोलते हैं, जिसमें हम तेल डालेंगे। तो जो भी बॉटल का नीचे मुंह एकदम छोटा होता है ना, तो ये बहुत हेल्प करता है, तो इसका यूज़ करते हैं, जिसे फ्लोलिल बोलते हैं। सेवन, इट इज़ यूज टू ड्रॉ अ सर्कल। अगर आपको इस तरह से सपोज़ सर्कल ड्रॉ करना है, अब ये तो हो गया आड़ा टेढ़ा सर्कल, लेकिन अगर प्रॉपर सर्कल बनाना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? कंपास, यानी राउंडर एंड पेंसिल, इसे बोलते हैं कंपास। ठीक है, तो अब आएगा, यहाँ पर आएगा कंपास। इट इज़ अ यूज टू वेट थिंग। अब अगर आपको किसी चीज़ का वज़न पता करना है कि ये कितने किलो का है, कितने ग्राम का है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? तराजू का, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस। ओके, तो यहाँ पर आंसर आएगा बैलेंस। नाइन्थ, इट इज़ अ यूज टू हैक एंड फील अ ट्री। अब पेड़ को काटना है, अब ये तो हो गया आरी, जो हम लकड़ी फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए आरी का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर बड़े बड़े जब पेड़ वगैरह काटने होते हैं, तो उसका यूज़ करते हैं हम किसका? कुल्हाड़ी का, इसे बोलते हैं एक्स, एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आएगा एक्स। टेंथ, इट इज़ अ यूज टू ड्रॉ इन नेल्स। मतलब घर के दीवार पे नेल्स यानी खिल्ले को गाड़ने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? तो ऑब्वियस है हथौड़ी का, तो इसे कहते हैं हैमर। हैमर का हम यूज़ करेंगे कील गाड़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ आंसर आएगा हैमर। 11th, इट इज़ अ यूज टू स्टिक अ क्लोथ। यानी अपना कपड़ा सिलने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? स्वाभाविक है आप बोलोगे मशीन का,
लेकिन मशीन में भी सुई और धागा लगेगा, तभी तो कपड़ा सिला जाएगा ना। तो यहाँ पर आंसर आएगा नीडल्स एंड थ्रेड, यानी सुई और धागा। 12th, इट इज़ अ यूज फॉर द कटिंग क्लोथ्स, पेपर, हेयर एक्सेट्रा। अब घर में अगर हमें बाल काटना है, पेपर काटना है, और भी कुछ काटना है, कपड़े काटने हैं, तो उसका हम क्या यूज़ करेंगे? इसका, सीजर यानी कैंची का। तो यहाँ पर आंसर आएगा सीजर। 13 इज ऑन आर्टिस्ट यूज टू पेंट अ पिक्चर। एन आर्टिस्ट यूज इट्स टू पेंट अ पिक्चर, यानी एक पेंटर को या फिर आप सब बच्चों को अगर पेंट करना है तो आप किसका यूज़ करोगे? ब्रश का। तो यहाँ पर है ब्रश, यहाँ आंसर आएगा ब्रश। देन इट इज़ यूज टू कलेक्ट सोडा, सैंड, मेजर एक्सेट्रा। यानी अगर आपको कहीं पे खुदाई का काम कर रहे हो, खोदने के लिए, चाहे एक रेती सीमेंट उठाने के लिए, आप किस चीज़ का यूज़ करोगे? तो वो हो गया इसका। तो इसे हिंदी में कहते हैं फावड़ा और इंग्लिश में स्पैड। स्पैड का यूज़ करेंगे जिससे हम और रेती सीमेंट ये सब उठा सके, ठीक है। तो यहाँ आंसर आएगा स्पैड। 5th, इट इज़ यूज टू ओपन अ लॉक। अब ये तो बेसिक सा है, सबको पता है कि घर पे अगर लॉक लगा है या फिर डोर पे लॉक लगा है तो उसे हम ओपन करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करेंगे? की का। ओके, तो ये हो गया हमारा 19 चैप्टर नंबर, जीके का 19 है, सम आर्टिकल्स एंड थ्रेड यूज। तो ये चैप्टर हो चुका है हमारा कंप्लीट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करोगे तो ही आपको एक मतलब लर्निंग का जो भी प्रोसेस है, जो भी वीडियोस है, जो भी क्वेश्चन आंसर्स है, आप तक तो पहुंच सकता है। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बच्चों।